सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। और आज हम कंटिन्यू निकलने वाले हैं अपने राज्य का नेक्स्ट पार्ट। और हमने भाई यहाँ तक लेकर गया था, हमें यहाँ पे प्योर यहाँ तक ले आया था। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड फटाफट भाई गेम बहुत तो मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा बच रहा है, तो हम फटाफट आगे तक क्लियर करते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरे को काफी अलग तरीके का लग रहा है ये कि आगे कोई महाबलासुर ने रहस्यवादियों से युद्ध छेड़ दिया है अपने लोगों से ही। इसे टाला नहीं जा सकता। उसने उनका सरदार बनने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत घमंड हुआ था। राजी को होशियार रहना होगा, अब भी उसके समर्थक हो सकते हैं। जैसा आप कहती हैं, ये युद्ध है और युद्ध में हर बात संभव है। ओके, तो यहाँ महाबलासुर कोई है और गुप्तता के लिए पाले जाते हैं। वे युद्ध के हथियार हैं। दूसरी स्थिति में इससे आपको खुशी हो देवी दुर्गा, युद्ध की देवी। लेकिन इनसे नहीं, ये असुर हैं। मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं। संतुलन बना रहना चाहिए। ओ भाई बच गया मैं, क्या बचाऊं मैं। ये गोलू के लिए था। ओके, कूद तो गया, मेरे को लगा था। शिव को कुछ करना होगा। देखिए महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। को ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया? भाई ये कुछ थोड़ी अजीब सी जगह नहीं लग रही मेरे को? ये देखियो ना, एक बहुत अजीब सी चीज लग रही है भाई, ये बहुत ज्यादा। ओके, मैं स्वॉर्ड को एंचेंट करता हूँ पहले, यहाँ देख लेते हैं। फायर बॉल बाउंस बिटवीन मल्टीपल एनिमीज। ओके, योर वेपन विल इनफल्स द टारगेट एनिमी। ओके, द बर्निंग मीटियर क्लैश डाउन ऑन टू द बैटल फील्ड एंड डैमेज। मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा है भाई, एक फायर बॉल है, मेरे को ये दोनों ज्यादा बेटर लग रहे हैं। तो अपन शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरू से शुरुआत करते हैं पहले, ठीक है ना? तो अभी चलते हैं आगे। एंड ओके भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है? अरे अरे अरे, भाई ये क्या था भाई? ओके, इसी को मार देना था, ठीक है ठीक है। मार दिया। भाई कितनी ही खतरनाक जगह लग रही है। ओके
ओके यहाँ पे काफी इजीली डाउन किया एंड हम आगे जाते हैं भाई, आगे क्या होने वाला आगे देखते हैं। भाई ये क्या है ये, मतलब ये क्या है भाई, ये क्या बीच बीच में भाई आदमी लटका रखे हैं, मरे हुए हैं या भाई स्टैचू बना रखा है इनका। मैं देख के तो ऐसा लग रहा है भाई ये भाग रहे थे, भागते भागते इनका ये हाल हो गया। ओ भाई कितने ही अलग अलग खतरनाक खतरनाक वो आ रहे हैं भाई। तुम मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। मैं भाई भागे जा रहा है भाई। अब मेरे को किस साइड जाना है, मे भी इस साइड जाना है, मे भी कोई वो नहीं लग रहा मेरे को, शायद इस पे जाना है। हाँ इस पे जाना है एंड अब मेरे को नीचे जाना है। ओके यहाँ पे मेरे को ये सॉल्व करना है, फटाफट ये सॉल्व कर देते हैं। नहीं हम अलग नहीं होंगे, वो मेरे साथ रहता है, अब जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। ओके मैं यहाँ पे नीचे आया और नीचे भाई ये बहुत खतरनाक चीज कुछ ऐसा है भाई, एरिया बड़ा अलग तरीके का लग रहा है मेरे को। देखता हूँ यहाँ पे आसपास क्या है क्या नहीं है। ओ भाई कुछ तो होने वाला भाई। ओ भाई क्या था भाई ये। ओके अब मेरे को किस साइड जाना है, मेरे को रास्ता नहीं पता है मेरे को किस साइड जाना है। यहाँ पे रास्ता है थोड़ा सा, ऊपर जाके देखता हूँ। ये मेरे को शिव जी जैसा कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ शिव जी का था कि भाई यहाँ पे बहुत सारे सांपों की मूर्ति बनी है। ओके शिवलिंग है यहाँ पे एक एंड मेरे को इस साइड जाना है। यस मेरे को इस साइड जाना है। ओके यहाँ पे भाई कितना ब्यूटीफुल भाई, हेवन भाई। ये शिवलिंग भगवान शिव महादेव आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं इस युद्ध को कैसे रोककर अपने भाई को बचा सकती हूँ। महादेव मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। ओके यहाँ पे कुछ मिल रहे हैं, मल्टीपल डेडली स्ट्राइक्स ऑन एनिमी, अटैक एनिमी कॉन्स्टेंटली एंड फ्रीज देम एंड एनिमीज विल फ्रोजन इंस्टेंटली। मैं यहाँ पे कोई एक ले सकता हूँ। मैं फ्रोज लूँ, मैं ये ले सकता हूँ। Oh, my God.
के मेरी तलवार में से आंख की जगह बर्फ। लेट्स गो भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है फिलहाल के लिए, तो चलते हैं ऊपर एंड देखते हुए क्या होने वाला है। के काफी सेफली आ तो चुका हूँ, बट उसका बच्चा, उसका भाई, उसने महाबाल असुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक संकी जीव है, वो राजी को हराने के लिए गोलू। ओके, यहाँ पे अभी मैं ये वाला लेना चाहूंगा, इंस्टेंटली क्लोज एनिमी पर इस्तेमाल करेगा, उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, उसे संभल कर रहना होगा। ओके, मतलब भाई आगे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो खतरनाक होगा भाई, कुछ तो खतरनाक होगा। आगे अभी तो ले भाई, ओ भाई क्या तो खतरनाक है। मैं भी शायद ये इसलिए मिली है ताकि, क्योंकि मैं आंखें एनिमीज को ऐसी ही नहीं मार सकता, उसको शायद आग वाली उससे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। एंड फाइनली ये वाले अनलॉक कर लेते अपन। ओके, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, ये वाला सॉल्व करते हैं। कई लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। बाबा, हमारे पूर्वजों की इस बात का मतलब क्या है? ओके, शायद वो दो लोग यही हैं। देखना पड़ेगा भाई, आगे क्या पर बहुत मिस्ट्री है भाई, इस गेम में बहुत मिस्ट्री है। ये पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। ओके, पिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा ये सब तो ग्रहों का खेल है। पिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से गिरने लगा। देव बीच में आए और उन्होंने पिपलाद से शनि के लिए क्षमा याचना की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। पिपलाद मान गया, लेकिन एक शर्त पर, कि अब शनि की दशा से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ओके, ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा, और तब वीरभद्र निकले,
शिव जिन्होंने योद्धा जिन्होंने उसको मारा था, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया, यहाँ तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया था। अश्वत्थामा का जन्म द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहू उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा। उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते, ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। ओ भाई, मतलब ये गेम बहुत रिलेट कर रहा है रियल लाइफ, हमारे रियल गॉड स्टोरी से। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे, लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे केसरी, जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की। जय श्री राम। ओह, क्या हो रहा है ये? रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। लो बाय। अरे भाई, उसने अपने ऊपर ही अटैक मार रहा था भाई, ये क्या है? मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता, इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी। यहाँ उतर तो गया, बट भाई ये जगह ना मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक सी लग रही है। कहीं भी कुछ भी हो जाता है। ओके, आगे क्या? ऊपर जाने का रास्ता है, बट आगे देख लेते हैं। ओके, आगे ये है। एंड अब मैं क्या इंशन कर सकता हूँ? ओके, मैं ये वाले भी खोल सकता हूँ। नाइस। ओके, मैं ये वाला खोलता हूँ अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, मेरे पास तीन पावर्स हैं। ये वाले मैं खोल चुका हूँ, ये वाले मैं खोल चुका हूँ, ये वाले खोल रहा हूँ। ओके, अगर मैं ये वाले पे रखता हूँ तो ये कौन से अटैक चलाता है? ओ भाई, ये तो काफी पावरफुल है। मेरे को अब इसका स्लीव समझ आ रहा है धीरे धीरे। मत कहना कुछ होने वाला है। ये बेचारे लोग, मैं जल्दी क्यों नहीं आ सकी? मैं उन्हें बचा सकती थी। ये किस शैतान का काम है?
हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखा कायर, मैं तुम्हें और मारने नहीं दूंगी। क्या है ये? मेरे को लग रहा है ये नहीं। उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबाला सूर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। ओके, आके हम नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है एंड मैं नहीं चाहता बहुत लंबी वीडियो हो। एंड भाई मज़ा आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ भाई क्या चल रहा है, कुछ सजेशंस वगैरह, ठीक है? एंड गेम में कहाँ मैंने कुछ वगैरह मिस वगैरह किया, ठीक है, वो भी बता दो। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।